बल्लार शाह ऑटो चालक मालक संगठन ने जनता को जागरूक करने के लिए रविवार को अनूठा आंदोलन किया। यह अनूठा इसलिए था कि इसमें सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कहा गया, कोई रैली मोर्चा और नारेबाजी भी नहीं की गई। बस सुबह से रात 8 बजे तक ऑटो डग्गा और काली पीली जीपों को बंद रख सोमवार से ऑटो का किराया बढ़ाने की जानकारी देकर यह चेतावनी दी गई कि यदि आप पेट्रोल डीजल भाव वृद्धि का विरोध नहीं करेंगे तो ज्यादा किराया देने के लिए तैयार रहें। आज सुबह से पूरे बल्लारपुर तहसील में ऑटो डग्गा और काली पीली बंद रहने से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। साप्ताहिक बाजार का दिन होने से बाहर गांव के व्यापारी और नागरिक बाजार में समय पर नहीं पहुंच पाए, कुछ को तो बाजार ही छोड़ना पड़ा। शहर के लोगों को भी बाजार आने जाने में दिक्कत हुई, ट्रेन पकड़ने वाले और ट्रेन से उतरने वालों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़क पर एक भी ऑटो दौड़ता नजर नहीं आया। संगठन के अध्यक्ष अब्बास भाई ने बताया कि यह आंदोलन सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि जनता को जागरूक करने के लिए था। पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ रहा है लेकिन ऑटो का किराया नहीं बढ़ा, जिससे ऑटो चालकों को परेशानी हो रही है और उन्हें आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ रहा है। सरकार पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ाती है तो हर चीज के भाव पर असर होता है, लेकिन ऑटो वालों का किराया नहीं बढ़ता। अभी भी लोग 10 और 20 रुपए ही किराया दे रहे हैं, अब यह किराया 10 की जगह 20 और 20 की जगह 30 लगेगा। उन्होंने यह भी कहा कि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने पर संगठनों द्वारा आंदोलन होता है तो जनता साथ नहीं देती, उल्टा आंदोलन के खिलाफ ही बोलती है। यही वजह है कि सरकार गंभीरता से ध्यान नहीं देती। 50 लीटर पेट्रोल डीजल था तो भी लोग किराया 10 रुपए देते थे, 113 रुपए हो गया है तो भी 10 में ही जाना चाहते हैं। ऐसा कैसे संभव है? जनता को इसकी जानकारी देने के लिए उन्होंने आज दिन भर ऑटो बंद रखा। पेट्रोल 100 रुपए पार करेगा तो किराया 20 रुपए लेंगे और 200 होगा तो 40 रुपए लेंगे। अच्छा, विशेष बंद म्हणजे असा आहे की सरकारने जे पेट्रोल वाढ केली आहे, डीजल वाढ केली आहे, पेट्रोल डीजल वाढ के वजह से हमारे भाड़े बड़े नहीं है। पब्लिक को जागरूक करना, कहने का मकसद हमारा ये है कि व्यापारियों ने बंद करा तो व्यापारी देखेगा, ट्रांसपोर्टिंग ने बंद करा ट्रांसपोर्टिंग देखेगा, ऑटो वालों ने बंद किया तो ऑटो वाला देखेगा, ऐसा कुछ नहीं। सरकार के विरोध में हमारा कतई नहीं है। सरकार 100 नहीं 200 रुपये लीटर कर दे, हमें उसकी परवाह नहीं है। लेकिन जब हम 50 रुपये से लेते थे तब भी हमको पब्लिक 10 देती थी, आज हम 100 रुपये 103 रुपये लीटर डीजल और 113 रुपये लीटर पेट्रोल वापर रहे, तब भी पब्लिक हमको 10 ही दे रही है। तो आज हमारा विषय यह है कि पब्लिक ने जागरूक होना चाहिए, पब्लिक को यह समझ में आना चाहिए कि सरकार जो रेट बढ़ा रही है उसका बोझ पब्लिक पे गिर रहा है। इसलिए हम जब 10 रुपए लेते थे उसको 20 रुपए कर रहे हैं और जहां 20 लेते थे वहां 30 कर रहे हैं। इसलिए आज हमारा ऐलान जो है बंद का, ये पब्लिक के लिए है, ना तो हमारा सरकार के लिए नहीं है, ताकि पब्लिक ये समझ जाए कि अगर जो है पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं तो अखा पूरे दुनिया पर इसका बोझ पड़ रहा है। इसलिए हर घर से हर पब्लिक का यह कर्तव्य बनता है कि बंद चाहे कोई भी पुकारे वो सरकार के खिलाफ पब्लिक में आवाज उठाना चाहिए।